जनता के लिए राजधानी कीव पर कब्जे की लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। बीती रात कीव के आसपास बड़े धमाके की आवाज सुनी गई। स्टेशन और होटल के पास धमाका हुआ। ये इलाका यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के पास का है। पूरे यूक्रेन पर हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। रूस ने औद्योगिक शहर खेरसन पर कब्जे का दावा किया है। कीव के बाद दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर भी रूस लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन के मुताबिक खार्किव पर हुए हमले में 21 लोगों की जान चली गई है। तो यूक्रेन जंग का मैदान बना हुआ है। लोगों की आंखों के सामने जिंदगी का संकट नजर आ रहा है। चारों ओर तबाही मची हुई है। यही वजह है कि अब खुद को बचाने के लिए यूक्रेन छोड़ने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। कीव पर रूस का बड़ा हवाई हमला, लगातार अग्रेसिव आक्रामक हमले रूस यूक्रेन पर कर रहा है। बड़े शहरों को निशाना बना रहा है और हर कोई अब इस हमले की चपेट में आ रहा है। आपको बता दें कि अब तक करीब 8,36,000 लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। अपनी जान बचाने के लिए लोग पलायन कर रहे हैं। ये